जो मैंने पोस्ट डाली थी उस पर जो कमेंट आई हैं, जो सवाल हैं, आज उसकी वीडियो है। तो जिन भाइयों के इस पोस्ट पे सवाल नहीं है, वो ये ना सोचे कि ये तो मेरे सवाल है नहीं तो मैं इस वीडियो का क्या करूंगा। नहीं, हम सब एक ही रास्ते पर हैं, और जो कोई भाई किसी ज्यादा परेशानी से जूझ रहा है, वही आपकी भी परेशानी ही होगी। तो वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ, आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल है, भाई होश के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। जी मेरे भाई, धन्यवाद। अगले सवाल पर आते हैं, जो लोग समझ गए हैं वो पहले से कम उत्तेजना वाले थे। जो लोगों को नहीं समझ आया है वो लोग परेशान ना हो, आप रेगुलर प्रैक्टिस करो बिना डरे, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, इसके लिए परेशान ना हो। जी बिल्कुल, ये आप लोगों से कह रहे हैं। जो भाई परेशान है कि मुझसे नहीं हो रहा, इसे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लेकर इस चीज को ना सोचें, धीरे धीरे प्रयास करें, सब ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, पवन भाई व्हाट इज डोपामिन, रिप्लाई मी प्राउड टू बी इंडिया। ये डोपामिन जो है ये हमारे दिमाग में केमिकल होता है, तो ये जो केमिकल है ये तब रिलीज होता है जब हमें खुशी होती है, और अगर इसे सही तरह से कहूं तो यही खुशी है। अगर ये रिलीज ना हो तो हमें खुशी महसूस नहीं होगी। जब इंसान दुखी होता है तो इसके जो निकलने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, तभी इंसान दुखी हो सकता है। अगले सवाल पर चलते हैं, सर जिन लोगों ने अपना होश साध लिया है उनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए, उन लोगों को क्या मुश्किलें आई, होश के बारे में क्या क्या जानकारी मिली। तो मेरे भाइयों, ये सवाल ये आप लोगों से पूछ रहे हैं, ये उन भाइयों से पूछ रहे हैं जिन्होंने होश को समझा, अपने जीवन में उतारा, उन्हें क्या क्या मुश्किलें आई थी और उन्होंने होश से क्या क्या जानकारी मिली। इन भाइयों का रिप्लाई जरूर दीजिए। अगले सवाल पर चलते हैं, भाई फिलहाल मैं कोशिश करता हूं कि पूरे वक्त होश में रहूं, पर कुछ वक्त ऐसा होता है मेरा ध्यान हट जाता है वहां से, और फिर ध्यान जाता है तो देखता हूं कि इस वक्त मैं होश में क्यों नहीं था। कुछ ऐसा बताओ जिससे पूरे वक्त होश में रहें और मेरा ध्यान ना भटके। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं होश में रहना चाहता हूं पर ध्यान किसी और चीज में चला जाता है। जैसे मेरे सामने वो लड़की है, मैं चाहे कितना भी कोशिश करूं होश में रहने की, मेरी नजर उस पर जाती है और मन में फीलिंग आती है उसके साथ रहने की। मैं इस चीज से मुक्त होना चाहता हूं, उस वक्त मैं होश में रहना चाहता हूं। और हाँ भाई, अभी मेरे साथ हुआ इसलिए सीधा बताने आ गया। जैसे मैंने अभी एक लड़की को देखा, वो सुंदर थी, मैं होश में रहने की कोशिश कर रहा हूं पर मेरा ध्यान उस पर जा रहा था, उसकी तरफ बार बार अट्रैक्शन हो रहा है, मैं खुद के मन में ये बात बोप रहा हूं कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, पर तब भी ध्यान जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मैं ठीक से होश में नहीं रह पा रहा हूँ? हेल्प मी भाई, लव यू। सवाल काफी लंबा है लेकिन चिंता मत करो, नजरअंदाज किसी भी भाई का सवाल नहीं करूंगा। तो देखो, आपने पहले पूछा कि भाई ध्यान भटक जाता है, कितना भी कोशिश कर लूं चीजों से ध्यान हट जाता है, कुछ ऐसा बताओ कि जिससे मैं हर समय होश में रहूं। तो ये पहली जो आपकी दिमाग में मिथ्या है इसे निकाल दो। होश ऐसा नहीं है एकदम आ जाएगा, शुरुआत में ध्यान भटकता है, शुरुआत में पूरा दिन ऐसे निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, फिर एकदम याद आता है और मुझे तो होश में रहना है, और फिर हम उदास हो जाते हैं कि यार पूरा दिन तो ऐसे ही चला गया, इतना समय तो बेहोशी में चला गया। नहीं, तुम्हें उदास नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, कोई टेंशन नहीं लेनी। गौतम बुद्ध, कबीर या जितने भी लोग थे, कोई ऐसा नहीं था ये एक्सपर्ट थे, शुरुआत में ये भी भटके, इनका भी मन वही था जो तुम्हारा है। अगर कभी भी मन तुम्हारा भटके तो उदास ना हो, ये सामान्य सी बात है, क्योंकि अभी तुम रास्ते पर शुरुआत में चल रहे हो। अगर तुम्हारा ध्यान भटक जाता है तो फिर से ध्यान लगाओ, शुरुआत में ऐसा ही होगा लेकिन जब तुम एक बार भूल जाओगे फिर तुम्हें दूसरी बार याद आएगा कि अरे हाँ, मुझे तो होश में रहना है। ऐसे ही करते करते फिर तुम्हें हर समय ये बात ध्यान रहेगी कि तुम्हें आज में जीना है, तुम्हें साक्षी भाव रखना है। हम अपना समय ज्यादातर पास्ट में, फ्यूचर में, चीजों के मिलने में, जो मिली नहीं है उसके बारे में सोचने में, ऐसे ही जीवन चला जाता है। जो आज है वो आज जिया ही नहीं हमने कभी भी, और आज जीने का तरीका है साक्षी भाव, आज जीने का तरीका है बेहोशी से निकलना। तो अगर तुम्हारा ध्यान भटके तो फिर से ध्यान लगा लो। दूसरा सवाल है कि भाई एक लड़की है जिसे आप देखते हो, आप उसकी तरफ आकर्षित होते हो, ठीक है, आपको उससे प्रेम नहीं है, बस आप आकर्षित होते हो, आकर्षण है तो मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर प्रेम है तो मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि आप अट्रैक्शन में हो, तो आप उसको देखते हो क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, आप उसे देखते हो वो खूबसूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया होगा खूबसूरती कहाँ है,
कोई लड़का सोचता है कि जिसका मोटा छल्ला होगा वो ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारी इमेज की वजह से तुमने जो कल्पनाएं किए हैं, जो तुम्हारे परिवार ने जैसे तैसे तुम में जो भावनाएं बनी हैं, उसके हिसाब से तुम्हारी सामने जो लड़की आती है तुम उसका चयन करते हो। वरना तुम वेस्ट इंडीज के यहाँ जाकर देख लो उनकी कल्पनाएं क्या हैं, सबकी अलग अलग है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कल्पनाएं सही हैं बाकियों की बेकार है। और तुम जो कह रहे हो कि मैं उसे देखना नहीं चाहता लेकिन फिर भी नजरें जाती हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि तुम देखते नहीं हो, मन में सोचते हो। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि मैं सोच भी नहीं रहा, फिर भी उससे अच्छा अच्छा फील हो रहा है, फिर भी मैं उसे देखकर खुश खुश हो रहा हूँ अंदर से, दिल में मन में कुछ अजीब तरह की फीलिंग आ रही है, वो इसीलिए क्योंकि भाव जुड़ा पड़ा है। लेकिन जब तुम तिनके से शुरुआत करोगे होश की और जब तुम प्रैक्टिस को बहुत बढ़ा दोगे, जब जीवन ही तुम्हारा होश हो जाएगा, तब तुम जाग कर हर किसी को देख पाओगे। तुम असल में उस लड़की को देखते ही नहीं, वरना अब की बार अगर दिखे तो उसके चेहरे को खूब देखना, देखते रहना उसके चेहरे को खूब। अपनी कल्पनाओं से मत जोड़ना कि इसके नाक नक्शे बहुत अच्छे हैं इसलिए सुंदर है, ये गोरी है इसलिए सुंदर है, नहीं, बस देखना है जी भर के। तुम जितने नजरें बचाओगे उतना ज्यादा फिर बाद में भी उसके ख्यालों में खोए रहोगे। सामने नहीं देख सकते तो छुप कर देख लो, लेकिन देखना है, मन में भाव पैदा नहीं करने, बैठ कर देखना है खूब और खुद को दूर रख कर देखना है, ये समझना है कि आखिर आकर्षण है कहाँ। उस लड़की ने तुमसे कुछ बोला भी नहीं, तुम्हारे हाथ में कुछ थमाया भी नहीं, फिर भी आकर्षण है क्यों, यही तुम्हें समझना है। अगले सवाल पर चलते हैं। भाई मैं तो वासना के बारे में समझ गया हूँ और अब मेरे को गुस्सा भी बहुत कम आता है, थैंक्स ब्रो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सवाल में कुछ आग इमोजी डाल रखे हैं, जी थैंक यू। अगले सवाल पर चलते हैं। पवन भाई आप बोलते हो कि मैं ये चैनल जल्दी ही छोड़ दूंगा, पर क्यों भाई, मत जाओ भाई, आज की डेट में आप जैसा इंसान मिलना मुश्किल है जो हम जैसे को राह दिखाए। जी मेरे भाई देखो, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे फैन ना बनो, मेरे फैन बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना गुरु बनना है, तुम्हें वो सागर बनना है जिसको किसी बूंद की तलाश ना हो, तुम्हें ऐसा ना हो कि मेरी हर वीडियो का इंतजार तुम्हें रहे कि उनके हर वीडियो से बदलूंगा, मेरी लाइफ बदल जाएगी, वीडियो से बदल जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे भी त्याग दो और वो दिन जल्दी आने वाला है, क्योंकि अब होश के बारे में तो बहुत अच्छे से समझ रहे हो और बहुत भाई तो निकल कर यहां से चले भी गए। अगले सवाल पर चलते हैं। भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, 10वीं क्लास तक स्कूल में टॉप करता था लेकिन गलत दोस्तों के साथ लग गया जिस कारण मुझ में गलत काम करने की लत लग गई। 2016 से अब तक पर नहीं पा रहा हूँ और धीरे धीरे पढ़ाई का ग्राफ भी नीचे गिर रहा है। अब मैं एक साल से गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन ज्यादा फोकस नहीं बन पा रहा है। भाई मेरा सपना बड़ा है लेकिन गंदा एडिक्शन के कारण कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भाई हर दम पास्ट में जो टाइम वेस्ट हुआ है उसकी चिंता सताती रहती है जिसके कारण कोई और काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। भाई मैं एक पॉजिटिव लाइफ जीना चाहता हूँ, कुछ सजेशंस दीजिए, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, पास्ट में सोच सोच कर मेरी जिंदगी में से भगवान का नाम तो बिल्कुल खत्म हो गया है और हर दम नेगेटिविटी सताती रहती है। मैं आपको व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया लेकिन आप बिजी रहते हैं, हो सके तो भाई मेरे नेम पर मारकर चलाकर तभी वीडियो दिखलाएं, अब मुझे क्या करना चाहिए बताएं भाई, जिससे मैं एक पॉजिटिव लाइफ जी सकूं। अभी मैं 21 साल का हूं और मैं 21 साल तक सक्सेसफुल होने का सोचा था लेकिन गलत काम करने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा। और भाई जो लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं उन्हें देखकर मन दुखी होता है, जबकि मैं ऐसा नहीं था। जी मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप इतनी गहराई से सवाल लिखते हैं, मैं एक भी सवाल मिस नहीं करूंगा, नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करूंगा। तो अब आपके सवाल पर चलते हैं। आपका सिंपल सा सवाल है कि देखो आपने कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपने कहा आपके दोस्तों ने उस चीज में आपको गिरा दिया, लेकिन यहाँ कारण है कि आप अपने पास्ट की सोच रहे हो जो उस समय बर्बाद हो गया, उसी की वजह से आप अपने जीवन में फोकस नहीं कर पा रहे हो। और जब इंसान पास्ट में जीता है तो उसे पास्ट को सही करने का मन करता है और फिर वो अपना आज भूल जाता है, और जब इंसान आज भूल जाता है तो फ्यूचर और ज्यादा अंधकार में जाता ही है। और यहाँ बात हो रही है आज में जीने की। मेरा जवाब तो बहुत सिंपल ही रहेगा, हो सकता है तुम्हें इससे संतुष्टि ना मिले, लेकिन थोड़ा सा गहराई से सोचना, तुम्हें अपने जीवन में होश को साधना होगा। अब अगर तुम दुखी हो अपने पास्ट को लेकर तो अपने मन में पहले स्वीकार करो कि जो चला गया उसे मैं बदल नहीं सकता, और ये मत सोचो कि तुमने समय बर्बाद कर दिया, नहीं, वो तुम्हारे सीखने की एक प्रक्रिया थी
जब तक कोई इंसान जीरो से टॉप पर नहीं जाएगा असल सफलता नहीं होती। मैं उन इंसान को खुशकिस्मत मानता हूँ जो डिप्रेशन से और इतनी सारी परेशानियों से उठकर सफलता पाते हैं और असल में वही असल शिक्षक बन पाता है। वरना बहुत से लोग ऐसे ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत से लोगों को ऐसे ही सपोर्ट मिल जाती है, उनकी कोई सफलता नहीं है। क्योंकि सफलता ऐसी नहीं कि एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाओ। असल सफल इंसान उसको मानता हूं जिसने ठोककर करोड़ों खाई हैं। तुम अपने आप को यह एक्सेप्ट करवाओ कि जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन भले ही मैं सक्सेसफुल देरी से हूं, लेकिन जितनी ज्यादा ठोकरों से निकल कर मैं सक्सेसफुल बनूंगा फिर मुझे कोई नीचे गिरा नहीं सकता। और यह असल सत्य है, सफलता देरी से मिलेगी, लेकिन हाँ जिस दिन मिली उस दिन कोई फिर गिराने वाला नहीं होगा। लेकिन जो इंसान एकदम सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाता है उसका फिर एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है। लेकिन जो इंसान कण कण से एक्सपीरियंस लेकर ठोकर खाकर रोकर झीककर हर चीज से निकलकर, चाहे वासना या बुरे लोग, बुरा परिवार या कोई भी, हर चीज से निकलकर, बुरी परिस्थितियां सबसे निकलकर जब सफलता पाता है तो फिर उसे गिराने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उसने जीरो देखा है। और जिस इंसान ने जीरो देखा है वो 100 पर जाने के बाद भी जीरो को याद रखता है। आप ये भूल जाएं कि आपके पीछे क्या हुआ। और भूलोगे कैसे, भूलना नहीं है, बस आज में जीना है। अपने जीवन में जो मैंने बताया होश के बारे में, इसी की प्रैक्टिस कर लो 1 महीना अच्छे तरह से, और फिर इसकी प्रैक्टिस और बढ़ाते चलना और अपनी क्लास में काम करते चलो। ये मत सोचो मैं टॉप हो जाऊं, मैं बहुत टॉपर बन जाऊं, ऐसा मत सोचो। तुम्हें बस सीखना है, जितना ज्यादा पढ़ सको पढ़ो सीख कर, लेकिन टॉप के लिए नहीं, वरना तुम इन नंबरों में ही अपनी जिंदगी को उदास कर लोगे। बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, कोई डिप्रेशन में, कोई ऐसे, इसी वजह से। तुम्हें आज में जीना है, आज जितना बेहतर कर सकते हो करो, जो हो गया हो गया। तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा मेरी जिंदगी तबाह थी, पूरा पास्ट मेरा बर्बाद गया। और मेरे पास्ट में क्या क्या हुआ मैं बताऊंगा तो शायद अचंबा भी हो जाए, लेकिन मैंने ये सोच लिया जितना गया गया, अभी फ्यूचर और प्रेजेंट है मेरे पास। पर फ्यूचर के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं और प्रेजेंट को कभी मैंने जाने नहीं दिया। साक्षी भाव रखो, होश को जीवन में अपनाओ, अगर जीवन बेहतर ना हो तो कहना। धन्यवाद आपका। अगले सवाल पर चलते हैं। पवन भाई, मेरा नाइट फॉल स्टॉप नहीं हो रहा, मैं 31 दिन से ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ। सुन लो मेरे भाइयों, ये वही भाई हैं जो कहीं और यूट्यूब चैनल से आए हैं, और सभी ऐसे आए हैं, लेकिन अभी ये नए हैं, मुझे पता चल रहा है इनका, क्योंकि ये दिन गिन रहे हैं और दिन गिनते हुए खुद को ब्रह्मचारी भी कह रहे हैं। और ये सब उन लोगों ने सिखाया जो खुद भी कभी मुक्त नहीं थे। देखो मेरे भाई, ये नाइट फॉल ये बहुत छोटी चीज है। अपने जीवन में होश को संभालो पहले। पूरी जिंदगी नाइट फॉल नहीं होगा अगर होश को समझ गए। पूरी जिंदगी कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्राणायाम करो, रात को किताब पढ़कर सो, या हर समय ये करो हर समय वो करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर बस बेहोशी में जीवन नहीं बिताना, जो शरीर चाहता है वो कभी नहीं करना, जैसा हो रहा है वैसा कभी नहीं करना, बेहोशी से उठकर काम करना है। अगले सवाल पर चलते हैं। भाई होश के बारे में बताओ, ये ऊर्जा क्या है? देखो भाई, होश ऊर्जा नहीं है, होश बेहोशी का विपरीत है, जैसे उजाला अंधेरे का विपरीत है। अंधेरा कभी नहीं होता, उजाले को लाया जाता है। ऐसे ही होश कभी नहीं होता, बस बेहोशी को हटाया जाता है। बेहोशी समाज ने लाई है, लेकिन होश पहले ही था। बेहोशी का आवरण उस पर चढ़ा है, लेकिन होश पहले ही था। आप अगर अंतरिक्ष में जाकर देखो तो अंतरिक्ष में कोई उजाला नहीं है, अंधेरा है। अगर वहां से वो ग्रह हटा दो जो प्रकाश को ला रहे हैं, जो अंधेरे के विपरीत हैं, तो आप देखोगे कि अंधेरा कभी लाया नहीं गया, रात कभी होती नहीं, रात तो हमेशा थी, उजाला लाया गया, प्रकाश उसका विपरीत है। ऐसे ही होश कोई ऊर्जा नहीं है, होश पहले ही था, लेकिन बेहोशी समाज ने ला दी। अगले सवाल पर चलते हैं। ब्रो, मेरे 2 सवाल है। पहला, बिना कुछ गलत सोचे ही मेरा प्राइवेट पार्ट खड़ा होने लगता है और गलत कोई बातें करता हूँ फिर भी खड़ा होने लगता है। और दूसरा, मैं उत्तेजित होता हूँ तो अपने शरीर को काबू में कर लेता हूँ, मन को कभी नहीं कर पाता। प्लीज वीडियो सर। अगर आपका लिंग खड़ा होता है बिना किसी कल्पना के, बिना किसी भाव के, तो ये आपके शरीर पर भी है। अगर मान के चलो आप सोकर उठे हो, आपका लिंग खड़ा है, तो साइंस के हिसाब से बताऊं तो आप स्वस्थ हो, आपकी जो ऊर्जा है वो सही है, आपका लिंग भी एकदम स्वस्थ है। अगर सोकर उठते हो तो बहुत कारणवश ऐसा हो जाता है, लेकिन बेहोशी अगर थोड़ी टूट जाए तो फिर ये भी नहीं होता वैसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इससे परेशान ना हो। और जैसे आप दिन में हो, और अगर आपका लिंग बिना किसी कल्पना और भाव के भी खड़ा हो जाए, तो वो इसीलिए क्योंकि आप उस अंग को फील भी करते हो। मान के चलो आप कुछ काम कर रहे हो, उस काम के साथ साथ आप कुछ और भी सोच रहे हो, और उस सोचते सोचते भले ही वो वासना का ना हो,
लेकिन उसे सोचते सोचते आप उस अंग को भी फील कर रहे हो, ऐसा भी हो जाता है। बहुत से कारण हैं, तो आप इस बात पर ध्यान मत दें, होश को रखें। होश जीवन में उतरते ही ये सारी जितनी भी गलतियां हैं वो सब साइड हो जाएंगे अपने आप। अभी तो शुरू है और तुम अभी से ही सब चाहते हो बदल जाए, ऐसा नहीं होगा, पर शुरुआत करो। अगले सवाल पर चलते हैं। भाई पूरा दिन गंदे विचार आते हैं, क्या करूं? तो ये भाई नए हैं, मुझे पता चल रही है इनके बातों से, गंदे विचार आते ही क्यों, जाहिर सी बात है हम आज में नहीं जीते, हम पाना चाहते हैं पास्ट में जीते हैं, फ्यूचर में जीते हैं इसीलिए, और प्रेजेंट को भूल जाते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि पास्ट भी प्रेजेंट से है और फ्यूचर भी प्रेजेंट से है। हम साक्षी भाव रख नहीं पाते, हम भावनाएं कल्पनाएं शब्द उनसे जोड़ते हैं, हम बेहोशी को तोड़कर उठना ही नहीं चाहते। तुम्हारे अंदर गंदे विचार इसीलिए आते हैं क्योंकि जो तुम करते हो उसे पूरी तरह से नहीं करते। काम करते हो, पढ़ाई करते हो, अगर तुम्हें इसका सवाल का जवाब चाहिए तो मेरी जो पहले की वीडियो है होश से लेकर और यहां तक जितनी वीडियो हैं, सारी तो नहीं कहूंगा लेकिन कोई सी भी उठाकर देख लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं है सारी वीडियो देखो, मेरी वीडियोस पर व्यूज लाओ, नहीं ऐसा नहीं है। आप होश की एक वीडियो गहराई से समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा, और होश को अपने जीवन में उतारो तो फिर ये सवाल ही नहीं आएगा। मैं आपको साधु संन्यासी नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप बेहोशी में ना जिए, क्योंकि समय के साथ साथ आप सब बिजी हो जाओगे, अपनी जॉब में, अपने बच्चों में, अपनी बीवियों में, फिर कहां कहां तुम्हें ये ब्रह्मचर्य के हर नियम को पालन करने का समय मिलेगा। रात को 11-11, 12-12 बजे आप ड्यूटी से आया करोगे, सुबह जल्दी भाग जाया करोगे ड्यूटी पर, ऐसा ही चलेगा। लेकिन वहां भी अगर कुछ साथ रहेगा तो वो है आपका होश, जिसे कोई ज्यादा लाने की, जीवन में उतारने की जरूरत नहीं, वो तो पहले से ही था। बस बेहोशी का आवरण हटाओ और जैसा जीवन चाहो वैसा जियो। अगर यहां तक वीडियो देखी है तो आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, और मेरी जितनी भी पोस्ट आए उनमें अपनी कमेंट, जिस भाई के सवाल के जवाब मैंने नहीं दिया है वो कमेंट जरूर लिखें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।